नमस्कार बच्चों, अध्याय 14 एक नया चैप्टर क्लास 9th के लेके हाजिर हैं हम आप लोगों के सामने। और बच्चों एक बात बताएं, आज हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति ले रहे हैं, तो आप लोगों के जो बड़े भाई बहन जो क्लास 10th में हैं, अगर आप लोगों के रूम में इतनी जगह है और अगर उनको त्रिकोणमिति की जरूरत है, किनको? क्लास 10th के बड़े भाई बहनों को, तो वो भी इस क्लास में आ सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स चेंज हुआ है उसमें त्रिकोणमिति का काफी कुछ पार्ट, वही जो 10th में भी आप लोग के बड़े भाई बहन जो पढ़ रहे हैं वही सब कुछ है, तो उनके लिए एक फायदे का सौदा है बच्चों, अगर वो आना चाहें मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब चूंकि आप लोग 9th के बच्चे हो तो 9th में ये जो चीज है बिल्कुल आप लोगों के लिए नई है, क्या साइन थीटा होता है। थीटा शब्द ही आप लोगों के लिए नया है, क्या साइन थीटा, क्या कॉस थीटा, क्या टेन थीटा, ये आज हम देखेंगे। बिल्कुल धीमी शुरुआत हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने समकोण त्रिभुज का तो नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। ठीक है, और न्यून कोण तो जानते हो ना, 90 डिग्री से कम, 0 से 90 के बीच के जो कोण है वो न्यून कोण। तो यहां पे आप लोगों के जो त्रिकोणमिति अनुपात की बात है, समकोण त्रिभुज आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, आप लोगों की ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह के जब नया नया लेते हैं ना आप लोग, तो निश्चित रूप से ऐसे दो त्रिभुज आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों, डी के अलावा इस तरह के दो। ठीक है ना, ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, एक में ये भुजा दोनों बराबर है तो समद्विबाहु भी है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझें कि ऐसा क्या है जो ये त्रिकोणमिति अनुपात में लिया जाता है। बिल्कुल बेसिक शुरुआत हम कर रहे हैं ये मानते हुए कि आपके स्कूल में त्रिकोणमिति की ये अध्याय 14 अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, ये हम मान रहे हैं। यस बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां पे ये कोण समकोण है 90 डिग्री। अब जैसा आप लोग अब तक पढ़ते आए हैं इसको हमने आधार माना है हमेशा। ठीक है, क्योंकि इस पर टिका हुआ है ये, और इसको हम लंब मानते हुए आए हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम हमेशा कर्ण कहते हुए आए हैं। ठीक है, बचपन से हमने अब तक ऐसा किया कि ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। लेकिन यहां ट्रिग्नोमेट्री के मामले में इस 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़ दीजिए, जब 90 ये अकेला लेके बैठ गया तो बाकी दोनों में टोटल 90 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, अरे 180 में से 90 गए तो 90 ही तो बचे, तो इसका और इसका योग 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर ये 10 डिग्री लेता है तो ये 80 लेगा, ये 20 लेगा तो वो 70 लेगा, आदि आदि। अगर इसने 45 लिए तो ये 45 डिग्री ही लेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे बच्चों सुनो, जैसे हम मानते हैं ना, माना राम की आयु एक्स वर्ष, राम की आयु एक्स वर्ष, तो हमने बोला तो नहीं था आपको एक्स माना, पर एक्स हम मानते हैं। अब ऐसे कोणों के लिए यहां पे एक अलग से शब्द दे रखा है आपको, थीटा। क्या बोला मैंने? थीटा। तो थीटा शब्द उन कोणों के लिए काम में लेते हैं, और ये लंब, आधार और कर्ण, अगर हम इनमें अनुपात बैठाएं, अनुपात बैठाएं, ठीक है ना, तो ये तीन है ना बच्चों, तीन भुजाओं के तीन अलग अलग नाम हैं। तो इनमें जैसे मान लीजिए लंब हमने ऊपर लिया तो बटे में आधार भी लिख सकते हैं और बटे में लंब के कर्ण भी लिख सकते हैं। तो लंब और आधार का ये अनुपात, लंब और कर्ण का ये अनुपात, तो दो तरह के अनुपात प्राप्त हुए ना बच्चों। ध्यान रखो, ए अनुपात बी और बी अनुपात ए अलग अलग होता है ना अनुपात में। मेरे पास में कुछ भी राशि है और आप बच्चे, आप लोगों के पास, मैं आपको, मैं एक जना ही मान रहा हूं, सब अपने आप से बात करो आप लोग, तो मेरा और आपका अनुपात अगर ए अनुपात बी है, मान लो मेरे पास में 500 रुपए है अभी और आपके पास में 100 रुपए है, तो 5:1 आया ना बच्चों, और अगर आपका अनुपात पहले लिखेंगे मेरा बाद में लिखेंगे तो क्या आया? 1:5।
तो 5:1, 1:5 में फर्क है, अंतर है। ठीक इसी तरह से लंब बटे आधार और हम आधार बटे लंब लिखेंगे वो अलग अलग चीज है। तो कुल मिला के हमें 6:1 यहां प्राप्त होंगे। हम यहां पे आधार ऊपर लिख रहे हैं, आधार और एक के आधार के बटे में हम लंब लिख रहे हैं, एक में आधार के बटे में हम कर्ण लिख रहे हैं। और ठीक इसी तरह से अब हमारी भुजा जो कर्ण बची, कर्ण और कर्ण, तो इधर कर्ण के बटे में लंब, कर्ण के बटे में आधार। तो आप देख रहे होंगे यहां पे 6 तरह के अनुपात आए। तो बच्चों जैसे आप लोगों को पर्टिकुलर एक नाम दे रखा है ना, राजेश, महेश, दिनेश, गणेश, तो वैसे ही यहां पे अलग अलग अनुपात के कुछ अलग अलग नाम है जिससे दुनिया उस अनुपात को पहचान सके। यहां जैसे लंब बटे आधार, इसको टेन थीटा बोला है, टेन थीटा। लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। मैं शॉर्ट नेम ही बोल रहा हूं, लंबे वाले नाम में मैं नहीं ले जा रहा आपको। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कॉट थीटा, आधार बटे कर्ण सेक थीटा, कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, क्या बोला मैंने, कर्ण बटे आधार सेक थीटा। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं सर आप क्या क्या बोल गए, तो इसको सिस्टमेटिक हम समझा रहे हैं। बच्चों मेरा पूरा नाम तो मालूम है ना, सोहन लाल गुप्ता, इसमें बीच वाला जो नाम है ना LAL, इसी से हम एक सूत्र बना रहे हैं। बच्चों देखो इधर इधर ध्यान दो कि इसमें हिंदी भाषियों के लिए LAL अपॉन KKA ये वर्षों से यही प्रचलन में चल रहा है। बच्चों जब हम पढ़ा करते थे, आप जितने नन्हे मुन्ने बच्चे थे, हमने भी इन्हीं सूत्रों से याद किया है। यहां पे परपेंडिकुलर बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी भाषियों के लिए ये लंब का सूचक है, ये आधार का सूचक है, ये लंब का सूचक है, ये कर्ण का सूचक, कर्ण और ये आधार। बहुत अच्छे बच्चों। तो सबसे पहले ये एल बटे के से मतलब है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कहां है, ये रहा। तो यहां पे साइन थीटा, उसका नाम है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। एल बटे के तो केवल समझने के लिए है, अब ये नोट करते जाइए बच्चों आप लोग। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, व्हाट अबाउट कॉस थीटा, हाँ हाँ, आधार बटे कर्ण, ये दूसरे नंबर का, जैसे आप लोगों के रोल नंबर होते हैं ना वैसे याद रख लो आप। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आइए हम इनमें से एक एक उठाते चलें। आधार बटे कर्ण कहां है, आधार बटे ये रहा, और टेन थीटा, हाँ हाँ, टेन थीटा वो है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा के नाम से जाना जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। हम देख रहे हैं कुछ जगह पे टेंथ के बच्चे भी आके बैठ रहे हैं, बच्चों उनको जगह दीजिए, तकलीफ में आप नहीं आएंगे, मौका दीजिए उनको भी। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये साइन कॉस टेन के मान, ये तो उतारिएगा आप लोग। बाकी के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं, 3 अभी बाकी हैं, उतारिएगा ये यहां तक। तो आप लोग
हाँ बच्चों, तो ये सूत्र आप बार बार में याद करिएगा इनको बच्चों। आज 6 तारीख है ना, 6 फरवरी, याद करना आज 6 कोई, तो अगली वाली क्लास में ना आप लोग इजीली समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए इधर, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। आइए आगे चलें, अगला है कॉट थीटा, कॉट। हाँ, ये लंब बटे आधार को भी तो पकड़े हम, ये रहा, और इसके बाद में हम ले रहे हैं कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। आप लोगों की जो बुक है बच्चों, इसमें 288 पे भी कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, वहां पे कॉट की जगह पे कॉस गलत प्रिंट हुआ हुआ है ना, आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो ये बता दिया। तो यहां कॉट थीटा बराबर, ये लंब बटे आधार था ना, तो ये टेन का उल्टा होता है बच्चों। पीछे से आइए हम उल्टा चलेंगे, फ्रॉम रिवर्सिंग ऑर्डर। जैसे कभी आपने वो आतिशबाजी में ट्रेन चलाई हो, तो इधर से ट्रेन उधर गई, फिर उधर से इधर वापस आ रही, तो यहां पे आधार बटे लंब वो हो गया कॉट थीटा, आधार बटे लंब। और उसके बाद में सेक थीटा का नंबर हम लेते हैं, आइए आधार बटे लंब को भी ढूंढें, ये रहा। तो 4 अनुपात आ चुके हैं, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये रहा। और अब तो बचा ही ये, वो है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये भी आ गया। तो इन 6 अनुपात के 6 अलग अलग नाम हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, आदि आदि। ठीक है, तो 6 सूत्रों के यहां पे एक तो 6 ये याद रखिए। अब जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा, सुनो सुनो सुनो, इधर 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 ध्यान दो आप लोग, साइन लंब बटे कर्ण है, साइन क्या है और कॉसेक क्या है, कर्ण बटे लंब। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम, अंश का हर, हर का अंश, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, साइन लंब बटे कर्ण, कॉसेक कर्ण बटे लंब। तो 6 सूत्र इनसे बन जाएंगे, साइन बराबर 1 बटे कॉसेक, कॉसेक बराबर 1 बटे साइन। सर पता नहीं आप बहुत तेजी से बोल रहे हैं सर, बच्चों आप लोग बोलना बोलना इसी तरह से। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल हैं, टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम किसको बोलते हैं, जैसे 2/5 का 5/2 होना, 3/7 का 7/3 होना, वो व्युत्क्रम कहलाता है। अकेले एक्स का व्युत्क्रम 1/x, अकेले 5 का व्युत्क्रम 1/5, क्योंकि वो 5 जो है ना, वो अनजाने में बटे में एक तो लिए हुए है ना बच्चों। ऐसे फटाफट ये 6 सूत्र याद कीजिए। और अब हम एक बच्चों बोधायन प्रमेय, वो तो आप लोगों ने सुनी है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसका इसमें यूज होगा, लंब आधार और कर्ण। अब हम आपको थीटा के बारे में बता रहे हैं बच्चों, अगर थीटा ये हो, अगर थीटा ये हो, तो ये यहां पे त्रिकोणमिति में लंब और आधार उनके अनुसार अपनी स्थिति बदल लेते हैं, तो वो जरूरी चीज है समझने के लिए। पहले तो हमने इसी में आप लोगों को बता दिया लंब आधार कर्ण का क्या मामला है, ये तमाम सूत्र उस स्थिति में है जब इस कोण को हम थीटा मान रहे हैं। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा, यहां पे हमने सब जगह थीटा का इस्तेमाल किया है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो लंब है, क्या है, लंब। 90 के सामने वाली कर्ण, तो शेष भुजा आधार। पुनः पुनः सुनिए, अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये लंब, ये कर्ण 90 के सामने हो ही जाती है सबसे बड़ी भुजा, उसको तो अलग से ही पहचाना जा सकता है, और आधार शेष भुजा आधार हो गई। अगर हम थोड़ी देर के लिए इधर फाई ले लें, इधर कोई नया कोण फाई ले लें, फाई इसको बोलते हैं फाई, आगे बड़ी क्लासेस में ऐसे चिन्ह आप लोगों को मिलेंगे। तो उस केस में फाई के लिए जो है ना बच्चों, लंब ये हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, आधार
इस जगह आ जाएगा। तो आधार और लंब अपनी स्थिति बदल लेते हैं फाई के लिए और थीटा के लिए में बदल लेते हैं। अभी आप लोग चिंता मत करो, अभी हम सवालों की तरफ ले चलेंगे, आप लोगों का सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, चिंता मत करो। जैसे मेहनत कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है ना बच्चों? और अभी तो नाइन्थ है आप लोगों की, चिंता मत करो, टेंथ तक तो बिल्कुल ऐसे शानदार हो जाओगे आप लोग। समझिए, हम चलते हैं 14.1 में। जैसे सवाल मिलेंगे उस तरह से सवाल हम ले लेंगे, ध्यान दीजिए। आपकी सुविधा के लिए ये सूत्र हम मिटा नहीं रहे। और बच्चों सुनो, वो बोधायन प्रमेय का कर्ण स्क्वायर, वो यूज तो मालूम है ना आप लोगों को? नहीं तो अभी पहले सवाल से ही उनका यूज होने लग जाएगा बच्चों। आइए 14.1 पेज नंबर 287 पे लिए चलते हम। और बच्चों वो जो सूत्र गलत लिखा हुआ है ना, उसका हम बता दें आप लोगों को कि कौन से पेज, 299 पे है वो, 299 पे। उसमें पहले पार्ट का फोर्थ कॉस थीटा लिख दिया वहां पे, जबकि कॉस थीटा तो आधार बटे कर्ण है, और फिर कॉट की जगह पे कॉस प्रिंट हो गया बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और सुनो, अगर आप लोगों को कहीं कोई इस प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ मिले तो आप मेरे को बता सकते हैं, तो अगले साल उसमें सुधार हो के आ जाएगा बच्चों। ये काम चल रहा है, आप उसमें भागीदार बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। सभी शिक्षक साथियों से और स्टूडेंट से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो इसमें कोई, इस बुक में कहीं कोई अगर गलती आपको नजर आ रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम फर्स्ट एडिशन है, ये रह जाते कुछ, तो हमें आप बता सकते हैं। फर्स्ट 14.1 पेज नंबर 287 सवाल इस प्रकार है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है और स्मॉल ए 25 सेंटीमीटर है, स्मॉल बी 7 सेंटीमीटर हो, तो कोण बी और कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। तो आइए सर्वप्रथम हम इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लें, यस बच्चों, हमें कहा गया है कोण बी या कोण ए, कौन सा समकोण है, ए को तो यहां लगा दो आप, जब ए समकोण है तो पहला काम तो ये करो। और इसमें ए के सामने वाली वो स्मॉल ए कहलाती है, ध्यान रखना, ये वो 25 सेमी दी हुई है, 25 सेमी। और स्मॉल बी, अब हम इसको बी बोल रहे हैं 7 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना यहां पे 7 सेंटीमीटर जो है ना बच्चों, वो बिंदु बी के सामने वाली होती है, किसके सामने, बिंदु बी के सामने। और ये सी, तो ये स्मॉल सी हुई, ये हमें ज्ञात करनी है, दी नहीं गई, क्योंकि हमें कोण बी और कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हमें ज्ञात करना होगा, यहां कोण बी, एक बार हम कोण बी को थीटा मानेंगे और एक बार हम कोण सी को थीटा मानेंगे, ठीक है ना? समझिए कैसे, ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी हमें ज्ञात करना है, जिसको स्मॉल सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्योंकि वो सी बिंदु के सामने है। तो यहां पे समकोण त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में कौन सा कोण ए 90 डिग्री है ना बच्चों, तो यहां बोधायन प्रमेय से यस, बोधायन प्रमेय से बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी का मान दिया है 25 सेमी, ए बी का दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है ये आप बताइए, और ए सी का 7। तो इन तीन में से अगर आपको दो भुजाओं के माप दिए गए हैं तो तीसरा इजीली निकाल सकते हैं आप लोग। आइए इसका स्क्वायर,
हम आपको कई बार बोल चुके हैं, आप लोगों को इतने ये स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 25 तक। 7 का स्क्वायर 49, अगर इसमें से घटाएंगे तो 625 माइनस 49 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 576, ए बी बराबर वर्गमूल 576, और वो आया कितना, 24 सेमी। ठीक है, 576 का वर्गमूल 24 सेमी। अब हमारे को ज्ञात क्या करना है बच्चों, सुन लो, इधर 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 ध्यान दो। हम पहले कोण बी के लिए, अच्छा रहेगा लंब आधार और कर्ण तय कर लें। अगर कोण बी थीटा है तो लंब हमारा 7 सेमी हुआ, और कर्ण तो वही है, आधार क्या हुआ जब लंब ये है तो, जो अभी अभी हमने ज्ञात किया 24 सेमी, और रही कर्ण वो 25 सेमी दिया हुआ है। तो ये बी के लिए है, बी के एंगल बी के लिए। ठीक इसी तरह से जब एंगल सी के लिए हम करेंगे तो लंब ए बी हो जाएगा, यानी कि 24 सेमी। लंब और आधार अपनी स्थिति बदल लेते हैं बी और सी के लिए। ए का तो आएगा ही नहीं बच्चों, वो तो 90 डिग्री लेके बैठा है आराम से। न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों की बात हम कर रहे हैं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, सुविधा के लिए आप लोगों को तमाम जो ये थीटा हैं उनकी जगह मैं बी लिख रहा हूं। यस बी, क्योंकि B के लिए ज्ञात कर रहे हैं हम, बी 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 और बी। यस बताइए, ये लंब बटे कर्ण, लंब 7/25, बहुत अच्छे बच्चों। यहां आधार बटे कर्ण, आधार 24/25। इस बार मैं नहीं बताऊंगा बच्चों, आप बताएंगे। हाँ हाँ, लंब बटे आधार बताइए तो, 7/24, बहुत अच्छे। और अब क्या हुआ यहां पे कॉट में, आधार बटे लंब, चाहे तो जब आपको मैंने बताया टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उलट भी सकते हैं 24/7, और नहीं तो आधार आपका 24 आप लिख दीजिए ना बच्चों, क्यों घबरा रहे हैं लिखने में, 24 हमने ज्ञात किया है तो 24/7। आइए कर्ण बटे आधार, क्योंकि ये sec थीटा cos का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां 25/24। ठीक इसी तरह से कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब 25/7। तो हमारे पास ये इस तरह से 6 त्रिकोणमिति अनुपात आए, किसके लिए, b के लिए। जब C के लिए याद करेंगे तो ये बदल जाएंगे बच्चों, जल्द से आप लोग ये इसे उतार लीजिए, चिंता मत करो। C के लिए भी अभी आप और हम मिलके याद करेंगे, जल्दी से उतारिए, अंतराल होने वाला है, जल्दी से उतारिएगा आप लोग। हाँ बच्चों, संभवतः इधर का तो पार्ट आप उतार चुके होंगे, तो इसमें समकोण त्रिभुज में अगर भुजाएं दी गई है ना बच्चों, तो तीसरी भुजा हम बोधायन प्रमेय से, जिसको पहले पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता था, अब भारतीय गणितज्ञ बोधायन के नाम से जानिएगा आप लोग, बोधायन प्रमेय। ठीक है, हाँ अब बच्चों कोण सी के लिए, ये तो था कोण बी के लिए, तो कोण सी के लिए
जैसा मैंने आपसे कहा, लंब और आधार अपनी स्थिति बदल लेते हैं। लंब कितना हो जाएगा अब? हाँ हाँ सी के लिए लंब 24 हो जाएगा, 24, और आधार 7 सेमी, और कर्ण तो बेचारा वही रहेगा, हाँ 25 सेमी। कौन सी के लिए? और बच्चों सुनो, ये क्या है, अगर आप पहली बार समझ रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, साइकिल एक दिन में तो आई नहीं ना, चला नहीं, अभी तो हमारे कई नन्हे मुन्नों को आई भी नहीं। वैसे ही ये है बच्चों, त्रिकोणमिति है इसका नाम, ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बच्चे साइन थीटा कॉस थीटा के नाम से दूर भागते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं भागना है। देखो तो यहां पे थीटा की जगह पे हम साइन सी लिखेंगे, सूत्र तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, सूत्र तो वो फिक्स है, साइन सी लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब का मान क्या हो गया? 24 बटे 7, थीटा की जगह सी आ गया, यहां बी था, तो यहां पे 24 बटे 7, और इधर में कॉस सी, सूत्र तो वही रहेगा, आधार बटे कर्ण, आधार का मान 7। यहां देखो बच्चों, ये 7 गलत लिखा है ना, अरे कर्ण की जगह क्या लिखना पड़ेगा? यस, मैं यही देख रहा था आपका ध्यान इधर रहता है या नहीं रहता है। 24 बटे 25, और यहां आधार 7, कर्ण का मान 25, इधर में टेन सी, लंब बटे आधार, लंब का मान 24, बहुत अच्छे, बटे में 7। यहां देखो बच्चों, सुनो तो, ये साइन और कॉस अपने बदल लेते हैं, 24 बटे 25 उधर हो गया, 7 बटे 25 इधर हो गया, ये टेन और रेसिप्रोकल हो गया, टेन और कॉट में, तो यहां हो गया कॉट सी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, सूत्र भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार का मान 7, लंब का मान 24। सेक्सी, सेक, और यहां पे ये तो सेक थीटा है ना बच्चों, और यहां पे कोण भी सी है, तो क्या हुआ, सूत्र तो कर्ण बटे आधार ही रहा ना, हाँ, कर्ण की जगह पे 25 और आधार की जगह पे 7, फिर क्या था, 25 बटे 7, और इधर कॉसेक सी, थीटा की जगह सी चल रहा है, सूत्र तो वही रहा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है 25 और लंब 24। आप वैसे भी रेसिप्रोकल देख लो, इसका रेसिप्रोकल यहां आया, इसका रेसिप्रोकल ये रहा, इसका रेसिप्रोकल ये बगल में, उतार लीजिए 6 के 6, ये मान, ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। और इस तरह के सवाल मन से भी आप लिया करो, उनको किया करो। सवाल नंबर 2 कुछ इसी तरह का है, सवाल नंबर 2, तो अभी मैं जब अंतराल का वक्त दूंगा ना बच्चों, उसको आप लोग वेस्टेज नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है, इसके अंदर आप लोग सवाल नंबर 2 खुद करना, और फिर मैं समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं भी समझाऊंगा, फिर आपने जो फाइंड किया, जो निकाला, उससे थोड़ा सा कंपेयर करना, कितना सही किया कितना गलत किया, वो हम देखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2 में, यस, ये आप लोग समझ गए होंगे, साइन सी में लंब बटे कर्ण, आप तो ये उतार लीजिए, लंब आधार और कर्ण के ये मान हो जाएंगे, सूत्र वही रहेंगे जो हमने आपको बताया। आप सूत्र याद, ये एक तो ये क्रम से याद कर रखो कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, क्रम से याद करते रहो,
छह बच्चे एक साथ लिए, पहला साइन बोलेगा, दूसरा कॉस बोलेगा, टेन बोलेगा, कॉट बोलेगा, सेक बोलेगा, कॉसेक बोलेगा, कोई नहीं बोले आउट, नया बच्चा ले लो साथ में। तो आप थोड़े दिनों में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक आ जाएगा आप लोगों को अच्छी तरह से। और फिर सूत्र पूछ लिया ऐसे, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो ये जब छह सूत्र अच्छी तरह से याद हो गए और बोधायन प्रमेय आप लोगों को मालूम है तो आप कर सकते हो अच्छी तरह से। सवाल नंबर दो आप स्वयं कीजिएगा, अभी एक दो मिनट के अंतराल के बाद में फिर से हाजिर होते हैं हम। स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में, सवाल नंबर दो लेके हाजिर है हम आप लोगों के सामने। सवाल नंबर दो इस प्रकार है, त्रिभुज एबीसी, ये नया बना लिया बच्चों मिटा के, एबीसी में कोण बी 90 डिग्री दिया है और ए का मान 12 सेमी है। ए जो ए के सामने है, बी चूंकि बी समकोण है तो बी के सामने स्मॉल बी 13 सेमी कर्ण हुई, कर्ण। तो हमें यहां ए बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एबी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे आप लोगों को एबी इधर की तरफ देखो बच्चों, आप लोग इस बार में एबी इधर ज्ञात करवा रहा हूं, इधर इधर ध्यान दो। यहां पे एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, वही बोधायन प्रमेय से। और बोधायन प्रमेय लगती कब है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है इसलिए बोधायन प्रमेय लग रही है। ठीक है, अब सुनिए जरा कैसे करेंगे इसे। एसी स्क्वायर 13 का स्क्वायर, एबी स्क्वायर ज्ञात करना है, बीसी स्क्वायर 12 स्क्वायर। तो यहां पे 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर
प्लस 144 इधर आके माइनस हो गया, किसमें से? 169 में से। तो ये बचा 25। ए बी स्क्वायर बराबर, तो ए बी बराबर वर्गमूल 25, और 25 का वर्गमूल 5। बहुत अच्छे, ये जब दोनों मान हमें सेमी में दिए हुए हैं तो ये भी सेमी में आया, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे मैं C बराबर 5 सेमी लिख लेता हूं, ठीक है। इसको बॉक्स में इसमें बंद क्यों किया? क्योंकि ये हमने मेहनत से ज्ञात किया है बच्चों, दिया नहीं था। ए बी का दूसरा नाम स्मॉल सी, सी के सामने होने की वजह से, ठीक है ना बच्चों। जल्दी से ये उतार लीजिए, फिर हम आप लोगों को ये पूरा सवाल पूरा पार्ट समझाएंगे। वक्त कम है, जल्दी से उतारिएगा आप लोग। यस, आइए बोर्ड के इस तरफ ले आते हैं अब हम आपको। ध्यान दीजिए, सी के लिए अगर सी को हम थीटा मान रहे हैं तो लंब 5 सेमी, आधार 12 सेमी और कर्ण 13 सेमी। सूत्र आप लोगों के सामने है सभी, हमने मिटाए नहीं, पिछले वाले काम में ले लिए। लंब बटे कर्ण 5/13, आधार बटे कर्ण 12/13। लंब बटे आधार 5/12, आधार बटे लंब 12/5। कोई रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, सूत्र याद होने चाहिए। सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 13/12। कौसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब 13/5। तो इस तरह से 6 ये सूत्र रहे, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी एंड कॉसेक सी। आइए इधर अब हम कोण ए के लिए भी समझ ले जरा। कोण ए के लिए बच्चों बाद में आप खुद कर सकते हैं, आप समझिए। ए के केस में यहां लंब बदल गया, अगर मैं ए को थीटा मान रहा हूं तो लंब हमारा 12 सेमी हो गया, तो आधार 5 सेमी हो गया। अरे बच्चों समझो, तो इधर 5 और 12 था ना, इधर 12 और 5 हो गया, कर्ण तो बेचारा स्थिर है, वही 13 सेमी, ठीक है। आप चाहे इंग्लिश में भी सेमी लिख सकते हैं, इधर भी हिंदी में भी लिख सकते हैं, श्रद्धा आपकी। या लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण तो 12/13। कॉस थीटा की जगह ए ए ए ए ए और ए, तो यहां पे कॉस ए आधार बटे कर्ण 12/13। जहां तक टेन की बात है 5/12, और यहां कॉट की बात है, कॉट आधार बटे लंब, तो वो हुआ 12/5। सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 13/12, और ये 13/5। क्रॉस टैली ऐसे कर लिया करो, एक बार थोड़ा सा हम देख लें जरा। साइन 12/13 यहां पे, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, सुनो सुनो सुनो। कर्ण बटे आधार, कर्ण 13 है और आधार 5 है, कर्ण 13 है और लंब 12 है। यस, क्रॉस टैली जरूर कीजिए। 5 इधर लंब, एक मिनट जरा इसको भी देख ले हम, लंब यहां पे 12 है, इस जगह में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये लंब यहां पे 12 है और आधार कितना है 5, और इधर में आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, लंब 12/13 है और इधर में ये देखिए बच्चों, यहां पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यस 5/12 है, यस 5/12
ये 13 हो गया, 12 बटे 13 हो गया, 12 बटे 5, 5 बटे 12 है, 13 बटे 5, 13 बटे 12 है। आइए हम आंसर शीट से मिला लें। यस, वक्त हो चला है हमारी क्लास का, जल्द से उतारिएगा आप लोग। इसमें साइन ए 12 बटे 13 है, 5 बटे 13 है, 12 बटे 5, और फिर 5 बटे उसके बाद में हमारे पास जो मान है कॉसेक का मान है 13 बटे 12, सेक 13 बटे 5, और कॉट है 5 बटे 12 है। साइन सी 5 बटे 13 है, ये 12 बटे 13, टेन 5 बटे 12 है, और कॉसेक 13 बटे 5, सेक है 13 बटे 12, और कॉट है 12 बटे 5। यस, संभवतः आप लोगों ने ये उतार लिए होंगे। कभी कभी ये कंफ्यूजन में इधर लंब आधार आपस में बदल सकते हैं बच्चों, क्योंकि एक ही सवाल में हम सी के लिए भी निकाल रहे हैं और ए के लिए भी निकाल रहे हैं, तो थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा आप लोग। तो अगली क्लास में त्रिकोणमिति के कुछ नया लेके फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार बच्चों।